तो मूवी की शुरुआत होती है मिशेल से, जो कि अपने फियांसी से लड़के यहाँ से जा रही थी। तब वो अपने एंगेजमेंट रिंग और अपार्टमेंट की चाबी यहीं छोड़कर एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गई, जहाँ पर जब उसने अपनी कार एक गैस स्टेशन पर रोकी तो उसने देखा कि एक कार उसका पीछा कर रही है। जो देखकर भी वो यहाँ से जब आगे बढ़ी तो तभी उसे अपने फियांसी की कॉल आने लगी, जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। लेकिन मिशेल ने उससे बात करने की जगह अपने रेडियो को ऑन किया, जहां उसे रिपोर्टर ने बताया कि पूरे शहर में अजीब अजीब अटैक हो रहे हैं। जिस बीच जैसे उसका ध्यान भटका तो तभी उसकी गाड़ी की एक दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसके बाद मिशेल की गाड़ी गुलाटी खाते हुए एक खाई में जा गिरी। और इसी गिरने के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं 10 क्लोवरफील्ड लेन। तो अब जैसे ही मिशेल को होश आया तो वह एक कॉन्क्रीट रूम में थी, जहां पर उसके दवाई वगैरह भी चल रही थी। साथ ही उसका पैर एक चैन से बंधा हुआ था, जिसे उसने खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो लोहे की चैन से बंधा है, ना कि कागज की। खैर, तब उसने अपना सामान भी देखा, जिसे वो आईवी स्टैंड के थ्रू अपने पास खींचने लगी, जहां उसने अपना फोन खींचकर यहां कॉल मिलाने की कोशिश करी, लेकिन यहां कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। जिस बीच उसे किसी के चलने की आवाज आई तो तभी यहाँ पर एक बड़ा सा आदमी उसके सामने आया, जो कि मिशेल को खाना देने आया था। तब वो उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन वो आदमी बोला कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, जो कहकर वो मिशेल को उन बेड़ियों की चाबी देकर यहाँ से चला गया। तब मिशेल ने सबसे पहले खुद को फ्री किया और तब वो इस क्रच के एंड को काफी शार्प करने लगी, ताकि वो उस आदमी से लड़ सके। जिसके बाद उसने काफी वेट किया कि वो आदमी आए, लेकिन जब वो नहीं आया तो उसने कपड़े को जलाकर यहाँ के वेंटिलेशन सिस्टम में लगा दिया, जिसकी वजह से फायर अलार्म बजते ही जब वो आदमी अंदर आया तो मिशेल ने उस पर हमला किया, लेकिन फिर भी उस आदमी ने मिशेल में अपना इंजेक्शन घुसा दिया। खैर, तो अब जैसे ही वो दोबारा होश में आई तो वो आदमी उसके सामने ही बैठा था, जो उससे कहने लगा कि तुम काफी लकी हो जिसे यहाँ खाने पीने और मेडिसिन मिल रही है, क्योंकि अब तो ह्यूमंस पर एक ऐसा अटैक हुआ है जिसकी वजह से वो लोग एक इन्फेक्शन से तड़प रहे हैं। साथ ही वो बोला कि पता नहीं ये अटैक किसने किया है, लेकिन हाँ, उसने मिशेल का एक्सीडेंट देखा था, जिसके बाद वो उसे यहाँ पर ले आया। तब मिशेल उसे कहने लगी कि मैं पुलिस को कॉल करना चाहती हूँ, लेकिन वो आदमी बोला कि बाहर का पूरा एरिया कंटेमिनेटेड हो चुका है, जो ठीक होने में शायद 1 या 2 साल लग जाए, और ये लोग बाहर की हवा भी नहीं ले सकते। तब मिशेल उससे बोली कि मैं अपनी फैमिली को कॉन्टेक्ट करना चाहती हूँ, जिस पर वो आदमी बोला कि अब शायद इस धरती पर कोई भी नहीं बचा है, जो सुनकर मिशेल काफी शॉक्ड हुई। और तभी एक दूसरे कमरे से एक लाउड नॉइस आने लगा, जो सुनकर वो आदमी यहाँ गेट खुला छोड़कर उस दूसरे रूम में जाकर किसी पर गुस्सा दिखाने लगा, जिसके बाद जैसे ही वापस आया तो बोला कि तुम्हें तो मेरा ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई। जो कहकर वो यहाँ से जा रहा था, और तब उसने अपना नाम बताया, जो था हॉवर्ड। तो अब अगले दिन जब मिशेल की आंख खुली तो उसे कहीं से एक साउंड आ रही थी, जिसके बाद उसने देखा कि यहाँ का गेट भी खुला हुआ है, तो वो यहाँ से उठकर बाहर निकल गई, जहाँ उसने देखा कि यहाँ पर काफी सारा ग्रोसरी का सामान रखा हुआ है। जिस बीच उसे एक और आदमी दिखा, जिसका नाम था एमेट। तब मिशेल उसे कहने लगी कि मुझे हॉवर्ड की बात पर कोई विश्वास नहीं है, जबकि एमिट उससे बोला कि जो भी हॉवर्ड कह रहा है वो एकदम सच बात है। तब हॉवर्ड भी यहाँ वापिस आया, जिसके बाद वो मिशेल को इस बंकर के सेंटर में ले गया, जहाँ पर इनका एक स्पेशल सिस्टम था, जिससे कि बाहर की हवा अंदर फिल्टर होकर आती थी। साथ ही यहाँ पर लाइब्रेरी, टीवी, मूवी की डिस्क और हाँ, अलग सा किचन भी था, जहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टोव, फ्रिज, मतलब एवरीथिंग था। ठीक है,
खैर तो अब उसने इन दोनों को लंच के लिए इनवाइट किया, जहां पर मिशेल ने देखा कि यहां पर काफी सारी वुमेन की मैगजीन रखी है, जिन्हें देखकर हॉवर्ड ने बताया कि ये मैगन की है जो कि अब हमारे साथ नहीं रहती। तभी मिशेल ने बाहर का एक शोर सुना जिससे उसे लगा कि जरूर ये कोई कार थी, लेकिन हॉवर्ड बोला कि इम्पॉसिबल है और वो ये कह कर थक चुका था कि अब ऊपर अर्थ पर कोई भी नहीं बचा और उन्हें बस इस बंकर में ही रहना होगा। साथ ही उसने बताया कि जब वो इस बंकर को तैयार करा रहा था तो तब लोग उसे एकदम पागल समझते थे, लेकिन हाँ अगर मिशेल को उस पर विश्वास नहीं है तो वो एक बार ऊपर की तरफ जाकर भी देख सकती है। जो कहकर वो मिशेल को सीढ़ी से ऊपर लेकर आया, जहाँ इनके गेट पर एक छोटी सी विंडो बनी हुई थी। साथ ही यहाँ बाहर दो मरे हुए सुअर भी पड़े हुए थे, जिसे देखकर हॉवर्ड ने बताया कि वो मेरे ही थे, लेकिन मैं उन्हें उस जहरीले इन्फेक्शन से नहीं बचा पाया। साथ ही तब मिशेल ने देखा कि यहाँ पर वही कार खड़ी है जो उस रात उसका पीछा कर रही थी। तब कुछ देर बाद मिशेल और एमिट यहाँ की सिचुएशन को डिस्कस करने लगे, जिसके बाद एमिट ने बताया कि हॉवर्ड पहले नेवी में था, जिसके बाद उसने अपना खुद का फार्म खरीद कर एमिट को हायर किया ताकि वो उसकी मदद कर सके। साथ ही हॉवर्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से काफी अट्रैक्टेड था, इसलिए तब उसने ये बंकर भी बनाया। साथ ही वो बोला कि एमिट ने उसे किडनैप नहीं किया है, बल्कि उल्टा वो खुद ही हॉवर्ड के बंकर के पास भाग कर आया था, क्योंकि जब उसने आसमान में एक अजीब से अटैक देखे तो उसे बचने का रास्ता सिर्फ हॉवर्ड के बंकर में ही दिखा। तब मिशेल बोली कि जिस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ उस रात हॉवर्ड की गाड़ी ही मेरा पीछा कर रही थी, जिसकी वजह से उसे लगता है कि शायद उस पर हॉवर्ड ने ही अटैक किया था। लेकिन एमिट उसे कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने तुम पर अटैक नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने खुद एक धमाके की आवाज सुनी थी जिसके बाद चारों तरफ लाल ही लाल दिख रहा था। तब इन दोनों को नहीं पता था कि इनकी बातें हॉवर्ड भी पीछे से सुन रहा था, जिसके बाद वो बोला कि चलो डिनर पर चलें। जहाँ जब ये लोग डिनर करने लगे तो एमिट अपने अधूरे सपने के बारे में बताने लगा, साथ ही उसने कुछ ऐसी बात भी करी जिसकी वजह से हॉवर्ड को थोड़ा गुस्सा आ गया। और हाँ, इस बीच मिशेल एमिट से जब फ्लर्ट करने लगी तो हॉवर्ड को और गुस्सा आया और वो बोला कि तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। जैसे बीच हॉवर्ड जब इन लोगों को डांट रहा था तो तभी मिशेल ने चुपके से हॉवर्ड की चाबी वाला गुच्छा चुरा लिया। तब कुछ देर बाद हॉवर्ड ने नोटिस किया कि उसकी चाबियां गायब है, और जिस पर वो जैसे ही कुछ रिएक्ट करता तो तभी इन्हें ऊपर से कुछ शोर आया, जिसके डिस्ट्रैक्शन से मिशेल हॉवर्ड पर अटैक करके यहाँ से ऊपर की तरफ भागने लगी ताकि ये लोग इस बंकर से निकल पाए। जिस बीच एमिट उसे रोकने के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन मिशेल यहाँ सीधे गेट पर पहुंच गई, जहाँ वो जैसे ही गेट खोलती कि तभी यहाँ हॉवर्ड ही पहुंच गया। जिस बीच मिशेल ने देखा कि यहाँ फार्म के पास एक गाड़ी आई है जिसमें से ये औरत निकलकर इनसे मदद मांग रही थी, और हाँ इस औरत की स्किन काफी अलग ही इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड थी, जिसकी वजह से हॉवर्ड ने मना कर दिया कि नहीं, इस औरत को बचाने के लिए काफी देर हो चुकी है। तब ये देखकर मिशेल को हॉवर्ड की बात पर विश्वास हो गया, जिसके बाद वो यहाँ से बंकर में ही आ गई, जिसके कुछ देर बाद हॉवर्ड उसे बोला कि हाँ मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट देखा था, जिसके बाद ही मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई। और तब उसने मिशेल को मेगन के ही कपड़े दिए थे, साथ ही तब उसने मिशेल को नहाने के लिए भेज दिया, जिसके बाद वो बोला कि हाँ मैं उस इन्फेक्टेड वुमेन को जानता था क्योंकि वो मेरी पुरानी नेबर थी, लेकिन जब मैं बंकर बना रहा था तो सब लोग मुझ पर हंस रहे थे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, और अब उन्हें इस बंकर की असली वैल्यू पता चल रही होगी। तब उसने मिशेल से कहा कि तुम मेरे घाव भी सिल दो जो तुम्हारी वजह से ही हुए हैं, जो कहकर वो उसे कुछ फनी स्टोरी बताने लगा। तब मिशेल भी उसके घाव को सिलने लगी और ये लोग थोड़ी बहुत फनी बातें करने लगे।
जिसके बाद हॉवर्ड यहाँ पर एक बॉक्स लाया जिसमें मिशेल के कार का सामान था। तब उसने मिशेल से पूछा कि तुम्हारी पहले जिंदगी कैसी थी, जिसके बाद वो बोली कि मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। जिस पर हॉवर्ड ने बताया कि मेरी बेटी मेगन भी एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। तब उसने मेगन की एक फोटो भी दिखाई जिसमें मेगन हॉवर्ड की डिवोर्स पत्नी के साथ थी, और इस मेगन की फोटो को थोड़ा ज्यादा याद रखना। खैर, तो अब उसने बताया कि मेगन अपनी माँ के साथ ही शिकागो चली गई है। तब इनकी बातों के बाद एमिट ने भी मिशेल को बताया कि हम उस औरत को नहीं बचा पाए, क्योंकि अगर हम उस औरत को अंदर भी ले लेते तब भी वो उस इन्फेक्शन की वजह से मारी जाती। जिसके बाद एमिट उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगा कि मुझे पॉलिटेक्निक में एक स्कॉलरशिप मिली थी। जिसके बाद उसने कुछ पर्सनल बातें बताई दोस्तों, जिसकी वजह से इन तीनों का ग्रुप काफी अच्छे से मिलने लगा। और ऐसे ही मिलता है दोस्तों कि जब तीन लोग अगर दोस्त हैं तो तीनों की आपस में अच्छे से बातें हो, ये नहीं कि दो की हो रही है और एक की नहीं हो रही तो जो एक रह गया वो बेचारा अकेला ही साइड में निकल लेगा। खैर, तो अब ये लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए, जहाँ ये गेम्स खेलते, खाना पीना बनाते और अपनी नई जिंदगी को एंजॉय करते। लेकिन तभी एक दिन इन्हें एक बहुत तेज साउंड सुनाई दिया, जो सुनकर हॉवर्ड बोला कि जरूर ये मिलिट्री होगी, लेकिन ये अर्थ वाली मिलिट्री नहीं है, बल्कि ये वो मिलिट्री है जिन्होंने इन पर अपने फर्स्ट फेज में हमला किया था। तो हो सकता है ये लोग अपना सेकंड फेज भी शुरू करने वाले हो, जिसमें ये यहाँ की पूरी टेरिटरी को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तब अचानक से इनका हवा फिल्टर करने वाला सिस्टम भी फेल होने लगा, जिसके बाद हॉवर्ड मिशेल से बोला कि तुम या वेंटिलेशन शाफ्ट से ऊपर जा सकती हो तो वहां पे जाकर इस सिस्टम को रीस्टार्ट कर दो, क्योंकि वो साइज में थोड़ी छोटी थी तो उसके लिए आसान था। इसलिए मिशेल इस शाफ्ट में रेंगते रेंगते ऊपर पहुंच गई, जहां उसने एयर सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही वो यहां से जाती तो उसने देखा कि यहां ऊपर एक सीढ़ी लगी हुई है, और जब वो सीढ़ी पर चढ़ी तो उसे यहाँ के शीशे पर हेल्प लिखा हुआ मिला, और वहाँ पे खून भी था। तब जब वो नीचे आई तो उसे यहाँ पर एक इयर रिंग भी मिली, जो कि सेम इयर रिंग मेगन ने अपनी फोटो में पहनी हुई थी, जो देखकर मिशेल काफी डर गई। और मिशेल ने ये बात सीधे एमिट को बता दी कि जरूर इस हॉवर्ड ने ही मेगन को कुछ किया है। जिसके बाद जब एमिट ने उस फोटो को देखा तो बोला कि ये मेगन है ही नहीं, बल्कि ये तो ब्रिटनी है, जो कि उसकी क्लासमेट की बहन थी, और ये तो काफी साल पहले गायब हो गई थी। और तब हम समझ गए कि हॉवर्ड ने मिशेल को जिस मेगन की फोटो दिखाई वो असल में ब्रिटनी थी, जो कि कुछ साल पहले गायब हुई, और अब ब्रिटनी के कपड़े ही या मिशेल पहन कर खड़ी थी। तब ये समझ गए कि ये दोनों काफी डेंजर में है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ से भागने का प्लान बनाया, जिसके बाद ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा सामान चुराने लगे, जिससे कि ये यहाँ से भागने के लिए कुछ इक्विपमेंट बना पाए, जिसमें मिशेल अपने लिए एक बायो हजार्ड का सूट बनाने लगी और एमिट एक होममेड गैस का मास्क बनाने लगा। असल में इनका प्लान था कि ये हॉवर्ड की गन छीन कर उसे बांध देंगे, और तब इनमें से एक आदमी यहाँ बाहर जाकर हेल्प लेकर आएगा। लेकिन जब एक शाम ये लोग कुछ गेम खेल रहे थे तो इन लोगों ने काफी हद तक हॉवर्ड को शक करा दिया कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जिसके कुछ दिन बाद हॉवर्ड ने इन्हें एक रूम में बुलाया, जहाँ उसने दिखाया कि देखो इस कंटेनर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिससे कि पूरा वेस्ट डिस्पोज हो जाता है। और तब उसने यहाँ दो आइटम दिखाए जो कि इन लोगों ने ही चुराए थे, और तब उसने ये आइटम इस एसिड में फेंक दिए कि अब मुझे समझ आ गया है कि तुम दोनों कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। तब ये देखकर एमिट ने ये पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि नहीं, ये मेरी गलती है, मैं कुछ ऐसा टूल बनाना चाहता था कि जिससे कि मिशेल मुझसे भी उतनी ही डरे जितनी वो तुमसे डरती है, और वो तुम्हारी बात मानती है, जो कहकर वो हॉवर्ड से माफी मांगने लगा। लेकिन हॉवर्ड ने उसको माफी तो दी पर अपनी बंदूक से,
जो देखकर मिशेल काफी रोने लगी और तब हॉवर्ड उसे शांत कराने लगा कि अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिसके बाद वो मिशेल का काफी ध्यान रखने लगा कि उसे आइसक्रीम खिलाऊं, उसे खुश रखूं, यही सब। लेकिन मिशेल यहाँ बंकर से भागना चाहती थी, इसलिए वो अपना बायो हजार्ड सूट तैयार करने लगी। तब एक रात जब वो अपना सूट तैयार कर रही थी तो तभी यहाँ पर हॉवर्ड आ गया, जिसे देखकर मिशेल ने वो सूट अपने गद्दे के नीचे छुपाया तो सही, पर हॉवर्ड ने उसे देख लिया। जो देखते ही जब वो मिशेल को डांटने लगा तो तब मिशेल यहाँ उसे बंद करके भागने लगी, पर भाग कर जाती कहाँ, क्योंकि हॉवर्ड तो उसका पीछा कर रहा था। इसलिए तब इनकी खूब चेसबाजी हुई, जिसमें मिशेल ने यहाँ वो एसिड से भरा हुआ ड्रम गिरा दिया, जिस बीच मिशेल अपना बायो हजार्ड सूट पहनकर तैयार हो गई और वो यहाँ से भागने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी हॉवर्ड उसका पीछा कर रहा था, जहाँ वो इस वेंटिलेशन शाफ्ट में ही चाकू घुसाने लगा। लेकिन तब वो जैसे तैसे एयर फिल्ट्रेशन के रूम में पहुंच गई और तब उसने एक नाइट्रोजन की कैन से इस लॉक को तोड़ दिया और फाइनली वो इस बंकर से बाहर आ गई। तब वो जल्दी से एक गाड़ी लेकर यहाँ से भागना चाहती थी, जिस बीच उसने देखा कि कुछ बर्ड्स काफी आराम से घूम रहे हैं, जिससे वो समझ गई कि यहाँ की हवा कोई टॉक्सिक नहीं है। इसलिए जैसे ही उसने अपना गैस मास्क हटाया तो तभी उसने देखा कि एक एलियन स्पेसशिप इनकी तरफ ही आ रही है, जिसकी स्पीड बहुत तेजी में बढ़ी, क्योंकि यहाँ बंकर में नाइट्रोजन गैस की वजह से आग लग गई। और तब वो स्पेसशिप बहुत जल्दी में इस तरफ आया, जिसको देखकर मिशेल पास के ही घर में छुप गई, जहाँ उसे उस इन्फेक्टेड औरत की बॉडी भी दिखी। तब मिशेल ने उस औरत की पैंट में से उसकी गाड़ी की चाबी निकाली और जैसे ही वो एलियन का क्रिएचर यहाँ दूसरी तरफ गया तो तभी वो जल्दी से उस कार में घुसने के लिए भागी। लेकिन वो एलियन जैसा क्रिएचर उसका पीछा करने लगा, जहाँ उसने मिशेल को देखते ही अपनी ग्रीन कलर की गैस छोड़ दी, जो देखकर मिशेल ने अपना गैस मास्क पहन लिया और वो इस केमिकल अटैक से बच गई। जहाँ वो इस कार में छुपी हुई थी तो वो एलियन इस व्हीकल को ही तोड़ने फोड़ने लगा, जो देखकर मिशेल ने यहाँ कार के सामान से ही एक मोलोटोव बनाई और उसे उस एलियन शिप के मुंह में फेंक दिया, जिसकी वजह से यहाँ एक तेज धमाका हुआ और तब उसकी कार क्रैश हो गई। इसलिए तब मिशेल यहाँ से निकलकर दूसरी गाड़ी में घुसी और तब वो अपना रेडियो चालू करके दूसरे शहर की तरफ निकल गई, जहाँ न्यूज रिपोर्ट में उसे पता चला कि जो भी इंसान अभी बचा हुआ है वो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हुई दोस्तों। तो अब मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। पर्सनली मूवी बहुत बढ़िया थी, क्योंकि इसने अपने हॉरर और सस्पेंस की वजह से एंड तक बांध के रखा। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।